तो बस यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है एंड कैपकट ऐप को जैसे ही ओपन करोगे तो आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को पहले अपनी वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना जिसको आप एडिट करने वाले हो। तो यहाँ से मैं वीडियो को सिलेक्ट कर देता हूँ। इतना हो जाने के बाद गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड ओवरले ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जो है गाइस हम एक वीडियो को ऐड करेंगे जिसको देख के हमें एडिट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे साइड में रख लेता हूँ। इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को करना क्या है, फिर उसके बाद आप लोगों को वीडियो को प्ले करना है एंड देखना है कि यहाँ पे ब्लर जो है स्टार्टिंग में कहाँ खत्म हो रहा है। फिर उसके हिसाब से आप सभी को यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ से वीडियो इफेक्ट में जाना है, फिर यहाँ से आपको ब्लर को ऐड करना है। तो यहाँ से ब्लर को ऐड कर लेता हूँ एंड जितना ब्लर इस वीडियो में उतना ही रखना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे एक एनिमेशन है, तो यहाँ पे हम एनिमेशन लगाएंगे स्प्लिट करके। तो एनिमेशन हम ये वाला लगाएंगे एंड इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को करना है कि गाइस आपको जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेशन हमने लगा लिया है। इतना हो जाने के बाद गाइस यहाँ पे जो है हम एक इफेक्ट ऐड करेंगे वह ये वाला। तो यहाँ पे वीडियो इफेक्ट से हम वाला इफेक्ट ले लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वाला इफेक्ट हमारा चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे जो 3 वीडियोज़ हैं, तो यहाँ पे गाइस मैंने जो है 3 वीडियो, 2 वीडियो मैंने ऐसी बना रखी है मतलब कि छोटे साइज़ में। तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे वाटरमार्क वगैरह डिलीट कर देता हूँ एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस वाले सर्कल यहाँ पे जो यहाँ पे से स्प्लिट किया था वहाँ पे रखेंगे एंड ऐड ओवरले पे जाएंगे और यहाँ से जो जो वीडियो हमने यहाँ पे ली थी हमने उसके हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। बाकी का आप लोग जो है वीडियो को यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन भी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्रॉप कैसे करना है। आप सिंपली क्रॉप वाले ऑप्शन में जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो है सबसे छोटा साइज ले लेना है, फिर अपने हाथों से जो आप लोगों को छोटा कर लेना है। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को जिसको ऊपर की साइड में जिस टाइप से रख देना है, फिर उसके बाद आपको दोबारा ऐड ओवरले पे जाना है एंड यहाँ से एक वीडियो को और ऐड कर लेना है। ठीक है, मतलब कि 3 वीडियोज आप बना के रखना है। यहाँ पे मेरे पे 2 ही थी तो मैं यहाँ पे 2 को जो है मैं 2 वीडियो को ही 3 में एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ पे जो लेंथ वगैरह वो भी मैं कम कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ वगैरह आप अपने हिसाब से रख लेना। ओके गाइस, तो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से जो है मतलब एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ मैं यहाँ पे इसका। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा इसका, मैं सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको मैं ड्रैग करके जो है वहीं ले आऊँगा इस यहाँ पे बीच में। ठीक है, तो इसको पहले मैं नीचे रख लेता हूँ यहाँ पे। अब जब मैं इसको यहाँ पे आगे ले आता हूँ, ये कभी कभी जो है मतलब कि गाइस यहाँ पे आगे आता नहीं है ना, तो नीचे की साइड से लेकर आएंगे इसको हम, फिर यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, तो अब गाइस देख सकते हैं हमारे यहाँ 3 लेयर भी बन गई है। अब इतना जाने के बाद आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे एक वो है इफेक्ट है यहाँ पे भी। तो आप हम वीडियो को स्प्लिट करेंगे एंड जो माइनस वाला आइकन है इसके ऊपर टैप करेंगे एंड यहाँ सब जैसे टैप करोगे तो आपको अगर यहाँ पे बेसिक में चले जाना है। बेसिक के लाइट में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि लाइट में मिलेगा आपको, और जो कि ये जो 4 आपको ब्लू वाले दिख रहे हैं इनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने थोड़ा ज़्यादा आगे लगा दिया है तो मैं इसको जो है पहले अंडो करता हूँ। मैं तो मेरे को थोड़ा आगे की तरफ लगाना है तभी ये दिखेगा। तो यहाँ पर मैं स्प्लिट मारता हूँ एक एंड उसको यहाँ पे टैप करूँगा एंड यहाँ पे लाइट में जो हमने देखा था इफेक्ट उसमें जाएंगे। सो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक हमने इस इफेक्ट को ऐड कर लिया है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर कहना है वीडियो को प्ले करके चेक कर लेना है कि हमारा जो इफेक्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से लगे हैं कि नहीं लगे। ओके गाइस, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। उसके बाद देखिए स्प्लिट करेंगे वीडियो को हम आगे एंड उसके बाद यहाँ से फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोबारा से एक इफेक्ट और ऐड करेंगे वो लाइट वाला। सो यहाँ से हम चले जाएंगे एंड यहाँ से ऐड कर लेंगे एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे फाइनल वीडियो को जो एक बार हम प्ले करके देख लेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ हमारे लग चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम इस वीडियो को डिलीट मारेंगे जो हमने ऐड ओवरले से ऐड की थी एंड उसके बाद हम ऐसे ऑडियो ऐड करेंगे एंड ऑडियो ऐड कर लेने के बाद आप लोगों को वही सेम वीडियो को ले लेना है एंड फाइनली गाइस हमारी वीडियो जहाँ पे एडिट हो चुकी है। तो बाकी चले मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। तो चले, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।